मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार भी सोच रहा होगा कि पैसा चाहिए लोगों को, पैसे के लिए ये सब करे, तो हम लोग पैसे के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। इज्जत एक बार चली गई औरत की तो कभी आएगी नहीं, और मुझे इज्जत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। इज्जत प्यारी है, पैसा नहीं प्यारा है। अगर मेरी इज्जत रहेगी तो पैसा भी आएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। क्यों आप घर छोड़कर यहाँ रह रहे हैं? इसी वजह से रह रहे हैं। एक बार जब मेरे साथ ये हादसा हो चुका है तो बार बाद में भी हो सकता है। जब आज इंसाफ नहीं मिला कल भी नहीं मिलेगा, इस वजह से हम लोग डर के मारे यहाँ बाहर रह रहे हैं। डर के मारे? जी हाँ। आरोपी ने बोला कि का साहिब है के मतलब तो अब हरजन एक तो अब लागिन जाए तो ऐसे अच्छा है उनका हम एकदम में स्नेह मार दी। गरीब को कभी न्याय ही नहीं मिल पाएगा, उसका FIR वहाँ पर लिखेंगे नहीं। अगर वो न्यायालय जाएगा वहाँ भी उसके साथ ऐसे ही जातिवाद होगा। मेरे घर में एक ठाकुर आए थे, एक यादव का लड़का आया था। ये दोनों लोग आए थे, मुझे गाली दिए गंदी, बोले कि कुतिया हरामीन रड्डी चमाइन, ये तुमने तुम्हारे घर वाले कहाँ गए? तो हम बोले मेरे घर वाले किसी काम से बाहर गए। जैसे मैं डर के उनसे अंदर आई तो वो दोनों मेरे पीछे आए, ताकि मामला रफा दफा कर दो, यहीं पे हो जाए सब कुछ, थाने तक ना पहुँचे, सुलह समझौता हो जाए। जी हाँ। तो मैं बोली मैं ऐसा नहीं करूँगी, आज मेरे साथ ये किए हैं इन लोग किए हैं, कल दूसरे के साथ करेंगे, मुझे जाने दो थाने तक। तो मैं थाने तक गई, मेरा लेकिन ना FIR लिखा गया और ना कुछ मेरी सुनवाई हुई, काम भी हो जाता और जो मेरी बड़ी बेटी है वो भी ना रहती, क्योंकि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, चार महीने की बेटी थी पेट में। अच्छा। उनकी आप बोली कि एक जने ठाकुर और एक जने यादव हम घर पे आवर रहे हैं और ऐसे गंदी गाली दे के मतलब गाँव है, और यादव ठाकुर घर पे आकर पत्नी के साथ गाली गलौज कर, हाँ गाली गलौज कर रंडी चमाइन, क्या से क्या कि ये लोग तुम्हारे घर के लोग कहाँ गए हैं, जो कि ये घर में अकेली ही थी। तो लोग SP के यहाँ गए, DM के यहाँ गए, SC ST आयोग गए, हर जगह गए। अच्छा, आयोग भी गए थे दो बार हम लखनऊ गए। अच्छा। वहाँ से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अच्छा। फिर कहीं से हमको न्याय नहीं मिला, हमने वकील करके 156(3) से अपना एप्लीकेशन दाखिल किया सुल्तानपुर, लेकिन वहाँ से कम 4 से 5 बार, पाँच क्या कम से कम 6 से 7 बार हमको बार बार आना जाना पड़ा। दोनों भाई अपना आए गए एकदम से निराश होकर के, लेकिन अभी 16 तारीख को ये सुनने को मिला कि मामला ही खारिज कर दिया, रिपोर्ट ने खारिज कर दिया। हाँ, क्यों खारिज किया? नहीं दोस्तों, नमस्कार, इसमें हम मौजूद हैं जनपद अमेठी में, और आए दिन हम आपको बता दें दलित समाज के साथ ऐसी घटनाएँ घटती हैं जो तमाम दावे सरकार करती है, सबका साथ सबका विकास है और सबका विश्वास, संविधान में सबको समानता का दर्जा दिया गया है, उसके बावजूद जो है आज भी कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और कहीं ना कहीं उनको मारा भी जाता है, और बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ तो आए दिन होता रहता है। तमाम समाचार पत्रों में, तमाम टेलीविज़न पर आप देखते होंगे, तमाम पत्रिकाएँ छपती हैं, कहीं ना कहीं दलित उत्पीड़न का मामला आए दिन उठता रहता है। तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी दलित समाज कहीं ना कहीं जो है प्रताड़ित होता रहा है। एक ऐसा ही मुद्दा लेकर हम आए हैं, आइए पूरी मुद्दे को हम जो है समझने का प्रयास करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अमर कुमार कोरी है। अमर कुमार कोरी, आप क्या नाम है? मेरा नाम पूजा। पूजा, ये दोनों पत्नी हैं, हम आपको बता दें ये दोनों पत्नी हैं, आज घर छोड़कर कहीं और रह रहे हैं, रूम लेकर रह रहे हैं, किराए पर रूम लेकर रह रहे हैं, इतना डरे हुए हैं, इनको क्या पता इनके साथ कब कुछ क्या हो जाए। ये डरा सहमा जो है परिवार है, पत्नी है, इनके पूरे मामले को आइए सुनते हैं। क्या मामला भैया आपका हुआ है? मामला यही था कि जैसे आज के 1.5 साल पहले, हाँ, 1.5 साल पहले क्या है कि हमारा भाई है, हमसे एक छोटा भाई है, बाइक रिपेयरिंग का काम करता है, तो पड़ोस में ही एक लोग का बाइक ख़राब हो गया था, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया कि भैया आइए हमारी बाइक को बना दीजिए, तो फिर वो गया वहाँ पर बाइक बनाने लगा, तो फिर एक ठाकुर जो है बाहर निकले अपने घर से और बोले काबे ताले चमार के लड़के आए हैं, तो फिर हमारा भाई बोला कि हम राम स्वरूप के ही, तो उन्होंने बोला कि काबे साले कैसे मतलब बाइक बनाता है कि बाइक ख़राब हो जाती है। आप शब्द बोल रहे हैं? जी, आप शब्द उन्होंने बोला, तो फिर ऐसे ही बोला कि मतलब फिर बोले कि कैसा बाइक बनाता है कि ख़राब हो जाती है, हमारा भाई बोला कि भाई बनाते हैं जो जैसे है, तो फिर उसने क्या है उसी पर हमारे भाई को एक तमाचा मारा। अच्छा। हाँ, तमाचा मार दिया। ठाकुर है वो मारा? हाँ, उन्होंने मारा हमारे नाम, उनका नाम था अंजनी सिंह। अच्छा जी।
तो उन्होंने मारा, तो फिर हमारा भाई बोला काहे क्यों हमको आप मारे, तो फिर हमारा भाई थोड़ा जैसे गाली उली दे करके ऐसे भागा, घर के लिए भागा, तो उन्होंने भी खदेड़ लिया उसको। अच्छा। बीच रास्ते में भी उसको पकड़ करके मारा और फिर वहाँ से किसी तरीके से अपने को छुड़ा करके मेरा भाई भागा घर की तरफ। तो हमारे पापा लोग सो रहे थे, जब चिल्लाया खूब जोर से तो हमारे पापा लोग उठ गए और बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो फिर मतलब बोला कि हमका ठाकुर मतलब मार रही है जान से। तो फिर हमारे पापा मतलब तुरंत उठ गए और फिर वो जैसे ही पास में ही लाठी थी उसको ठाकुर ने ले करके उसको जैसे ही मारना चाहा हमारे भाई को, तुरंत वो मतलब हमारे पापा लाठी को पकड़ लिए फिर उनको भी मारे। अच्छा, आप लोग मारते पीटते हैं मतलब जैसे हम तो मतलब बचाव करते हैं अपना। हाँ, अपना बीच बचाव करते हैं। हाँ, और हम तो उस समय थे नहीं, हम तो अपना रूम पर बचाव हर कोई करता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हम तो वहाँ पर थे नहीं क्योंकि हम रूम लेकर के अपना रहते हैं, अपना काम धाम अपनी जगह। तो फिर क्या है कि जब मारपीट हुई तो फिर उनको भी मारा, मतलब दोनों में मारपीट हो गई, बीच बचाव हुआ। तो फिर हमारे पापा ने पुलिस के पास फोन किया, तो फिर पुलिस आई, अपना जो भी था अपना पूछताछ की, कहीं आइए थाने। थाने हम गए, दोनों पक्ष के लोग गए, वहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और फिर क्या है कि उसके दूसरे दिन फिर हम लोग एसपी के यहाँ गए। जब हम एसपी के यहाँ अपना मतलब जैसे बातचीत हो ही रही थी तभी इन्होंने हमारे पास फोन किया कि पत्नी ने, हाँ इन्होंने फोन किया, बोली कि एक जने ठाकुर और एक जने यादव हम घर पे आवर रहे हैं और ऐसे ऐसे गंदी गंदी गाली दे के मतलब गाँव हैं और पुलिस का हम फोन कह रहे हैं और आवर रहे हैं, दोनों जने की जरूर पकड़ के ले गया है। अब फिर हम लोग वहाँ से मतलब तुरंत फिर एसपी साहब ने भी फोन कर दिया कि आप इन लोगों को FIR लिखिए। अच्छा। तो फिर हम लोग आए फिर घर पे, फिर गए वहाँ पर और भी यादव ठाकुर घर पे आके पत्नी के साथ गाली गलौज कर, हाँ गाली गलौज कर रंडी जमाइन। हाँ। क्या से क्या कि ये लोग तुम्हारे घर के लोग कहाँ गए हैं, जो कि ये घर में अकेली ही थी। तो फिर इनके साथ जो भी हुआ अपना वो किए। तो फिर हम लोग जब घर पे आए तो फिर गए फिर थाने पर, क्योंकि वहाँ से भी फिर फोन करने लगे कि आइए हम आपका FIR लिखेंगे। तो फिर जब हम लोग गए इनका भी एप्लीकेशन बना करके ले गए, बाकी जो भाई का एप्लीकेशन था उनका था ही। जब गए वहाँ पर दिए भाई का एप्लीकेशन और इनके साथ जो गाली गलौज हुआ तमाम बात हुआ उसका भी एप्लीकेशन हमने लिखा है। हाँ, लिख करके गए लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। और उन्हीं जो उसमें यादव थे, जो दूसरा आरोपी था यादव, उसका एक चाचा का लड़का है दिलीप यादव, पत्रकार बनते हैं अपने आप को, पत्रकारिता भी करते हैं, इसलिए वो सबसे अपना मिला जुले रहते हैं। वो पहले से ही गए वहाँ पर पुलिसों से मिल लिए, थाने में एसओ साहब के वो कक्ष में बैठे थे। अच्छा। तो फिर हमको और हमारे पापा को बुलाया गया अंदर, बुलाया गया वहाँ पर, फिर उन्होंने कहा लो पानी पी लो। हमने कहा पानी नहीं हम पियेंगे, पानी नहीं हम पिए। और फिर मतलब वो अपना आपका काम हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, हुआ लेकिन जो इनके साथ हुआ था वो नहीं हुआ, और जबरदस्ती अपने तरह से मैटर बना करके लिखवा करके उसी पर उन्होंने FIR लिखवा दिया। बस भाई वाला ही मैटर लिखा गया, इनका वाला आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम लोग जो कि न्यायालय से भी जाना चाहे लेकिन गरीब होने के कारण हम लोग जा नहीं पाए, इसलिए इनको न्याय नहीं मिला। और आज के उसी न्याय नहीं मिला इसीलिए वो लोग फिर से घटना मतलब कारित किए भाई के साथ, फिर से मतलब दूसरे ठाकुर थे उन्हीं के पड़ोस के, उन्होंने घटना फिर से एक कर दी, जो कि 3-4 बार उन्होंने घटना करने का प्रयास किया लेकिन बीच बचाव हुआ अपना। और हम लोग मतलब आपका जो भाई का मामला था उसमें कार्रवाई सुनवाई हो रही है, मगर इनका जो है कोई सुनवाई नहीं, इनकी कोई सुनवाई नहीं। तो आइए हम जो है इनकी पत्नी से बात करते हैं, आखिरकार क्या मामला उनके साथ घटा जब वो लोग आते हैं एक घर में अकेली रहती हैं, और आप जानते हैं एक महिला का घर में अकेली हो और कोई व्यक्ति अगर गलत नीयत से आता है तो क्या क्या घटनाएं कर सकता है। आप ये बताइए जब आप घर में अकेली थी तो कौन कौन लोग आते हैं, क्या कहते हैं आप साथ, क्या घटना घटती है आपके साथ, बताइए आप। मेरे घर में एक ठाकुर आए थे, एक यादव का लड़का आया था, ये दोनों लोग आए थे, मुझे गाली दिए गंदी गंदी, बोले कि कुतिया हरामीन रंडी चमाइन, ये तुमने तुम्हारे घर वाले कहाँ गए। तो हम बोले मेरे घर वाले किसी काम से बाहर गए। जैसे मैं डर के उनसे अंदर आई तो वो दोनों मेरे पीछे आ गए। जब मैं पीछे मुड़ के देखी तो उन दोनों को देख के मैं डर के चिल्लाई, तो मेरी चाचियाँ लोग आई दौड़ के, चाची आई तो चाची लोग को देखे तो वो भागने लगी, मेरे घर से भागते हुए मुझे गाली देते हुए चले गए। तो मैं 100 नंबर डायल की। अच्छा, आपके साथ कुछ गलत करने का भी उनका इरादा था?
अच्छा जी हाँ, गलत करने का इरादा तो मैं चिल्लाई ना होती तो मेरे साथ गलत हो जाता। अच्छा, आप अगर हिम्मत ना दिखाई होती उस समय तो शायद आज की आपके साथ बहुत बड़ा गलत काम हुआ होता। गलत काम भी हो जाता और जो मेरी बड़ी बेटी है वो भी ना रहती, क्योंकि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, चार महीने की बेटी थी पेट में। अच्छा अच्छा जी हाँ। तो मतलब आप प्रेग्नेंट भी थी और उसके बावजूद वो लोग आपके साथ गलत काम और तमाम गाली गलौज भी करते हैं। जी हाँ। और आपका FIR भी दर्ज नहीं हो रहा है? नहीं हुआ। फिर गाली गलौज देते गए, मैं 100 नंबर डायल की, पुलिस आई तो जो यादव का लड़का था उसका बड़ा भाई पत्रकार है दिलीप यादव, वो बोला कि मामला रफा दफा कर दो, यहीं पे हो जाए सब कुछ, थाने तक ना पहुंचे, सुलह समझौता हो जाए। जी हाँ। तो मैं बोली मैं ऐसा नहीं करूंगी, आज मेरे साथ ये किए हैं इन लोग किए हैं, कल दूसरे के साथ करेंगे, मुझे जाने दो थाने तक। तो मैं थाने तक गई, मेरा लेकिन ना FIR लिखा गया और ना कुछ मेरी सुनवाई हुई, सिर्फ मेरे हस्बैंड की हुई। अच्छा, आपका ना FIR हुआ ना आपको सुनवाई हुई? जी हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, मतलब पैसा भी लोग देने की बात कर रहे थे क्या, कि पैसा लेके सुलह समझौता कर लो? नहीं, ये सब कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोले कि सुलह हो जाओ। अच्छा, अच्छा। मैं बोली मैं सुलह नहीं होंगी। तो भैया उसके बाद क्या दूसरा मामला आपका हुआ है? हाँ, तो फिर जैसे इनका वाला जब मैटर मतलब वहाँ पर गए तो अपना वो जबरदस्ती लिखवा करके अपने तरह से। अच्छा। थाने में। हाँ। जिसमें इनका वाला मैटर नहीं लिखा गया, बस वही भाई वाला का वो अपने हिसाब से बोले, जिस तरीके से डरा धमका करके हमको बोले, अपनी तरफ से लिखवा लिए और उसी हिसाब से FIR दर्ज कर दिए। उनमें इनका बिल्कुल नाम नहीं था, ना कुछ भी इनका नहीं था। मतलब आपके भाई का मामला दर्ज हुआ, उसमें सब कुछ हुआ, लेकिन इनका मामला दर्ज नहीं, इनका मामला दर्ज नहीं हुआ। हम लोग CO साहब के यहाँ गए, CO साहब ने तुरंत ही पत्र को देख करके एप्लीकेशन को, तो तुम लोग यहाँ पर आ गए फिर से, उनको मारा भी और अब आ गए हो फिर से, मतलब FIR लिखवा ऐसे बोल रहे थे। हाँ, ऐसे एकदम मतलब जैसे झल्ला करके बोले कि फिर से, हाँ तुम लोग आ गए हो यहाँ पर पैसे के चक्कर में। अच्छा। SC ST एक्ट के चक्कर में तुम लोग फिर से आ गए FIR लिखवाने। तो फिर हम लोग वहाँ से निराश होकर के आ गए, SP के यहाँ गए, हर जगह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस वही भाई वाला लिखा गया मैटर, इनका वाला नहीं लिखा गया और आज तक कोई उस पर कार्यवाही नहीं हुई। इनका मामला जो है आपने FIR करवाने के लिए अपनी पत्नी का, आपने SP के यहाँ गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। हाँ। और आपने कोर्ट का सहारा नहीं लिया? कोर्ट का सहारा लेना चाहे, लेकिन जैसे घर से उतना मतलब नहीं है, गरीब फैमिली से हैं, क्योंकि आजकल जहाँ जाओ लोग पैसा ही मांगते हैं। और पहला नंबर तो जैसे मेडिकल कुछ वकील मांगे, तो फिर मेडिकल इनका बना नहीं था। अच्छा, आप मेडिकल नहीं करवाए थे? नहीं, अब जैसे हमको ये था कि अगर इनको कुछ हुआ नहीं है तो कैसा मेडिकल भाई अब बनवा लें। अच्छा। क्योंकि उतना हमको ज्ञान नहीं था। तो फिर अब जैसे इनके वाले में अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, और जो दूसरा वाला मैटर हुआ वही न्याय नहीं मिला, उसी की वजह से फिर से ये मतलब हमारे घर के साथ ही घटनाएं घटित हो रही हैं और आगे भी ऐसे ही होती हैं। क्या घटनाएं घट रही हैं? घटनाएं फिर से वही हुई मेरे भाई के साथ। अच्छा। हाँ, भाई को मारा पीटा जा रहा है क्या? हाँ, मतलब जैसे उनको मारने का प्रयास किए, 3 से 4 बार करे, लेकिन समझौता हुआ, बोले कि अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर एक दिन अपना मारपीट किए। हमारा भाई पुलिस के पास फ़ोन किया और पुलिस उनको रात में बुला करके, जो आरोपी है उसको रात में ही बुला करके हमारे भाई के खिलाफ मतलब लिख दिए उनका FIR, लेकिन हमको सुबह मतलब बुलाए जब हमारे भाई को। अच्छा, आरोपी का जो आप बता रहे हैं, जो आरोपी है उसका रात में ही कर दिया, आपको सुबह बुला रहे हैं? हाँ, हमको जो कि पुलिस को पहले हमने ही कॉल किया। अच्छा। हाँ, लेकिन 112 नंबर को। हाँ, 112, लेकिन उनको पहले बुला करके उनका FIR लिख दिए हमारे भाई के खिलाफ, और हमारे भाई का नहीं लिखा गया, और बल्कि 151 में चलान करके उनको भेजा गया अमेठी, फिर वहाँ से अपना वो जमानत कराए हमारे भाई। और फिर हम लोग SP के यहाँ गए, DM के यहाँ गए, SC ST आयोग गए, हर जगह गए। हाँ, SC आयोग भी गए थे? 2 बार हम लखनऊ गए। अच्छा। वहाँ से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2 बार पैसा खर्च करके अपना ये समझ लीजिए कि हमको लोन लेना पड़ा समूह से। अच्छा। 40,000 रुपया हम लिए कि हमको न्याय मिले, नहीं ये लोग और दिन पर दिन ऐसे ही हावी होते जाएंगे। फिर कहीं से हमको न्याय नहीं मिला, हमने वकील करके 156(3) से अपना एप्लीकेशन दाखिल किया सुल्तानपुर, लेकिन वहाँ से कम 4 से 5 बार, 5 क्या, कम से कम 6 से 7 बार हमको बार बार आना जाना पड़ा। दोनों भाई अपना आए गए एकदम से निराश होकर के, लेकिन अभी 16 तारीख को ये सुनने को मिला कि मामला ही खारिज कर दिया, कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाँ, क्यों खारिज किया नहीं बताया? अब उसमें ये चीज़ लिख रहे हैं कि क्रास केस के चक्कर में आप मतलब ये एप्लीकेशन दे रहे हो। हाँ,
वहाँ भी हमारे साथ जान की बात, कोई अपराध करे और एफआईआर करवाए और जो पीड़ित है वो एफआईआर ना करवाए। हाँ, तो फिर इस तरीके से वहाँ से हम तो अपना मतलब जैसे 16 तारीख को, जैसे वकील ने बोला था 16 तारीख को पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं, हम तो अपना मतलब जैसे गाना गा रहे थे अपना स्टूडियो पर बैठे थे, हम जैसे फ़ोन आया बताए कि यार मामले खारिज कर दें जज साहब, तो फिर हमको एकदम से रोना आ गया कि सोचिए हम मतलब इतना बार चक्कर काटे, हम पैसा लेकर के किसी तरीके से हम सोचे हमको न्याय मिले, लेकिन आज इस तरीके से हो गया फिर से। अब बताइए अगर हम हाई कोर्ट भी जाते हैं कहीं भी जाते हैं आजकल बिना पैसे कुछ होगा नहीं। जी जी हाँ, तो फिर बताइए हमको अब न्याय कैसे मिलेगा, और हमको ही नहीं कोई भी गरीब हो, इसका मतलब है गरीब को कभी न्याय ही नहीं मिल पाएगा, उसका एफआईआर वहाँ पर लिखेंगे नहीं, अगर वो न्यायालय जाएगा वहाँ भी उसके साथ ऐसे ही जातिवाद होगा, कहाँ से जातिवाद पूरी तरह था भी हो गया इस मामले में। हाँ अच्छा, हाँ वही चीज़ हुआ। और अब बताइए अब इसी तरीके से जो कि न्यायालय से जो भेजा जाता है पुलिस की, जाइए आप जाँच करिए, जब वो पुलिस मतलब जाते हैं, हाँ जब पुलिस जाँच करने गया तो फिर जैसे हम हमारे घर वालों से पूछताछ हुई ही, वो जब उसके भी घर पे गया पूछताछ किया तो उसने बोला, आरोपी ने बोला कि का साहिब के मतलब तो अब हरजन एक्टवा लागिन जाए तो ऐसे अच्छा है उनका हम एकदम में स्नह मार दी। अच्छा। तो फिर पुलिस ने बोला कि आप जो इस तरीके से कह रहे हो इतना मत बोलिए, जो मतलब अगर किए हो गलत तो फिर भाई होगा, अगर आप फिर से अगर मन बना ही रहे हो तो फिर पहले जो है वो तो लिखा ही जाएगा, लेकिन एक दूसरा वाला फिर से लिखा जाएगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर उन्होंने फिर थोड़ा मतलब जैसे बीच में ज़रूर कुछ मतलब डाउन पड़े, लेकिन फिर वहाँ भी होते ही चले गए, क्योंकि उन लोगों का बहुत जगह से संपर्क है, हर जगह से उनका संपर्क है, इसलिए अपना बना ले गए का शोषण कर रहे हैं दबाव बना के। जी बिल्कुल, वो लोग अभी भी दबा रहे हैं जान से मारने की धमकी, इसलिए हम लोग अपना बाहर भाग करके अपना रहते हैं किसी तरीके से, और सोचिए अब हमको न्याय नहीं मिला। अच्छा, आप लोग घर से बाहर रह रहे हैं? हाँ, बस इसी के लिए कि मतलब जैसे वहाँ पर रहेंगे तो पक्का है कुछ ना कुछ लोग दिन पर दिन, भाई हमको न्याय मिलेगा ही नहीं तो फिर अब करें ही क्या, ना हमारा थाना सुन रहा है, ना जज साहब सुन रहे हैं, जो कि हमारे पास मेडिकल भी है, सारा गवाह भी है, सब चीज़ है मेरे पास, लेकिन जज साहब ने एक बार भी नहीं सोचा कि इनको न्याय मिलना चाहिए। जी जी लेकिन उन्होंने खुद ही मतलब गलत तरीके से उसमें करके कि ये मतलब क्रास केस बनवाने के चक्कर में आप ऐसा कर रहे हो, मामले को खारिज कर दिया। मुझे रोना आ गया कि इतना मतलब हम लोग पैसा लिए किसी से कहीं से भी लोन लेकर के, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। अब बताइए अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं कहीं भी जाते हैं वहाँ भी पैसा लगेगा, और अब ना जाने वहाँ भी हमारे साथ जातिवाद ना हो, वहाँ भी हमारे हमको न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है, हमको अब लग ही नहीं रहा कि हमको भी कभी न्याय मिलेगा। और वो लोग दिन पे दिन, अगर आज हमको न्याय नहीं मिला, अब उन लोगों को अगर भाई पता चल जाएगा तो फिर और वो लोग हावी हो जाएंगे कि अब तो इन लोगों को न्याय मिलेगा ही नहीं, जो मन करे वो करो। ये ये जो पत पत्नी है अपने जो है न्याय के लिए कोर्ट जाते हैं, DMSP के यहाँ जाते हैं, मगर उसके बावजूद ना इनको कोर्ट से कोई सहारा मिलता है, ना इनको DM के यहाँ से कोई इनको न्याय मिलता है, ना SP के यहाँ से मिलता है न्याय। उसके बाद हम आपको बता दें, ये दलित परिवार है, SC ST आयोग जो लखनऊ में है वहाँ पर भी जाते हैं, दो बार SC ST आयोग भी जाते हैं, जो क्योंकि जो SC ST आयोग है वहाँ से जो है दलितों का बहुत ज़्यादा सुनवाई होता है, मगर वहाँ से भी सुनवाई नहीं हुआ, वहाँ से तो आज तक कोई फ़ोन ही नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया वहाँ से। अच्छा। कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ नहीं आया। अच्छा। हाँ, वहाँ से बोले कि CO साहब आपके यहाँ जाएंगे जाँच करने, लेकिन कोई मतलब नहीं, ये सब चीज़ें आया ही नहीं, कोई नहीं आया, ये सब बस वही अपने नाम आई है, हवा हवाई है, इसलिए हमको पूरा इन सब चीज़ों से विश्वास उठ गया। अच्छा। हाँ अच्छा, आपके पति कोर्ट में जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा, कैसे क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम लोग गरीब फैमिली से हैं, गरीब परिवार से हैं, इस वजह से हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। भाई जो पैसा देगा उसका सब कुछ सब कोई है, और जो गरीब लोग हैं जो पैसा नहीं देंगे उनका कोई नहीं है, इसीलिए गरीब इंसान गरीबी है, अमीर अमीरी है। अब कोर्ट भी जा रही है तभी कोर्ट सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है क्योंकि गरीब की कोई नहीं सुनता, सब अमीरों के सुनते हैं, कहते नहीं है जहाँ पैसा मारो वही इंसान जाएगा। अच्छा अच्छा, तो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग पैसा देंगे। अभी क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, कहाँ तक पहुँच रहा है मामला आपका? मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए,
इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो सोच रहे हैं कि ये फालतू का केस कर रही हैं, पैसा चाहिए इनको, पैसे के लिए कर रही, तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। इज्जत प्यारी है, पैसा नहीं प्यारा है। अगर इज्जत बनी रहेगी तो पैसा बहुत आएंगे, इज्जत नहीं रहेगी तो कुछ नहीं आएगा। महिला का इज्जत सबसे बड़ा उसके लिए सम्मान की बात होती है। जी हाँ, अगर औरत की इज्जत एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आ सकती है। पैसा तो आता जाता रहेगा लेकिन इज्जत नहीं आएगी। जी हाँ, पैसा तो आता जाता रहेगा लेकिन इज्जत नहीं आएगी। इज्जत एक बार चली जाती है औरत की तो कोई नहीं उसे ला पाता कि कोई ला दे। क्यों आप घर छोड़कर यहाँ रह रही? इसी वजह से रह रहे हैं। एक बार जब मेरे साथ ये हादसा हो चुका है तो बार बाद में भी हो सकता है। जब आज इंसाफ नहीं मिला कल भी नहीं मिलेगा, इस वजह से हम लोग डर के मारे यहाँ बाहर रह रहे हैं। डर के मारे? जी हाँ। अच्छा, क्या डर है आपको? डर यही है कि एक बार कोशिश किए छेड़खानी करने के लिए, फिर से ये करेंगे, एक बार तो नामुमकिन हो गया, इस बार तो मुमकिन हो जाएगा। इस वजह से हम लोग डर के बाहर रह रहे हैं। और मेरी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। कल के वो बड़े होंगे, जाएंगे पढ़ने लिखने जाएंगे, उनके साथ तो कुछ करेंगे। इस वजह से हम लोग डर के मारा बाहर आके रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपकी दोनों बेटियां हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत करेंगे उनका भविष्य भी बर्बाद होगा। जी हाँ। अच्छा, बता दें हम आपको, जो है ये पति पत्नी हैं, ये बेचारे जो है शादी करके जो है घर पे अपना रहते थे, मगर इनके साथ ऐसा जो घटना घटता है कि ये लोग घर परिवार छोड़कर किराए पर रूम लेकर रहना पड़ रहा है। वजह ये है साथियों, क्योंकि इनको जो है कहीं ना कहीं आज भी डर है, एक खौफ है कि इस महिला के साथ कुछ भी जो है गलत हो सकता है। अब इनकी दो बेटियाँ भी हो चुकी हैं और बेटियों जानते हैं महिलाओं का जो है इज्जत सम्मान जो है उनका एक वही सब कुछ होता है। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होगा तो समाज में कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचती है। जी, अब हम आपको यही बताना चाहेंगे, अगर आजकल कोई भी अगर घटनाएं होती हैं तो अगर दलित के साथ हुआ तो पक्का है। दलित तो पहले 100 नंबर डायल करता है, लेकिन थाने पर पहले ही बाबू साहब का फोन पहुंच जाएगा कि इसको ऐसे ऐसे करना है। हाँ। यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है। अब सोचिए, किसी का अगर थाने में FIR नहीं लिखा जाता है तो आदमी सोचता है कि चलो हमारा यहीं पर सुनवाई नहीं हुई तो SP साहब सुनेंगे, DM साहब सुनेंगे, SC ST आयोग सुनेगा कोर्ट से। और फिर बाद में अगर कहीं सुनवाई नहीं होता है तो उसको कोर्ट पर भरोसा होता है कि हो सकता है कोर्ट में पक्का है मेरा मामला सुना जाए, न्यायालय होता है, न्यायालय होता है। लेकिन अब सोचिए, हम वहां पर भी गए किसी तरीके से, लेकिन वहां से भी हमको हार ही मिली। कहा जाता है कोर्ट कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ। लेकिन आपको वहां से भी न्याय नहीं मिलता है। क्यों नहीं होगा, आजकल बस मोबाइल का जमाना है ना, सब सुनवाई हो रही है। जिसको पैसा दे दो, आजकल सब पैसे की भूखे हो गए हैं और कुछ नहीं है। जी जी, पहले से फोन उनके पास चला जाएगा, कहूँ विलायत के तो है नहीं वो जज। जी जी, उनके पास क्या, भारत के ही है। हाँ, क्या उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है कि उनके पास घर नहीं है कि उनको अकेली कहीं पर बैठाया जाता है? और हमको भी लगता है कि सब मतलब सब मिले जुले हुए हैं, क्योंकि पांडे जज साहब जो हैं यहाँ के सुल्तानपुर के, वो पांडे हैं। अच्छा, SC ST का जो अलग से कोर्ट होता है उनका नाम वो पांडे हैं, नाम मुझे नहीं पता है। और जो हमारे यहाँ का SC ST आयोग जो न्यायालय है उसके भी जो है जज पांडे जी हैं। अच्छा। और जो हमारे यहाँ की SO थे वो भी मतलब जैसे मिश्रा हैं। अच्छा, ब्राह्मण हैं। हाँ, SP जो हैं वो ठाकुर थे। अच्छा। इसीलिए पहली बार जब घटना हुई थी 1.5 साल पहले, तब इलामारन जी थे, वो बहुत ही अच्छे थे SP साहब, इसलिए हमारा पहले वाले में सुनवाई हुई किसी तरीके से, लेकिन अब की वाले में बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब आपकी पत्नी वाले में कोई सुनवाई नहीं? हाँ, सुनवाई नहीं हुई। और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि यही जो हमारे यहाँ के SO साहब हैं मिश्रा जी, ये हमारे पापा के ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगवा दिए थे, गाय का एक मामला था जो कि कोर्ट से खारिज हो गया था। वही जो SO साहब हैं उन्होंने 2 पुलिस को भेजा मेरे घर, जो अब की बार वाले मैटर हुआ उसी के 3-4 दिन बाद घर पर भेजे, कहे कि जाओ उनको, मतलब आए घर पे वो 2 पुलिस आए तो फिर हमारे पापा को बोले कि आपको SO साहब ने बुलाया है, आप आइए। तो फिर हमारे पापा बोले क्या है, तो फिर बोले कोई आपका मुकदमा था क्या? हमारे पापा ने बोला तो यार खारिज हो गया है। तो फिर मतलब कहे ठीक है आपको जैसा वो मतलब SO साहब ने बुलाया आप आइए। तो फिर हमारे पापा गए वहाँ पर, उनका चलान कर दिया फर्जी, उनका चलान करके गए अपना। उसमें मेरे पापा का टाइम भी खराब हुआ। अब
अलग से वकील उसमें जमानत कराना होता है, उसमें भी हमने पैसा दिया और हर बार तारीख पड़ती है जाना पड़ता है वहाँ पे, पैसा ही पैसा देना पड़ रहा है। इससे बताइए हम लोगों का नुकसान ही तो रहा है, जो फर्जी चालान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब क्या है? मतलब आप जहाँ भी जा रहे हैं आपको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, आखिरकार आप क्या करेंगे? अब हम क्या करें, हमको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे 16 तारीख कोरोना आ गया, जब मुझे यही विश्वास था कि हो सकता है हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन अब यही समझ लीजिए कि एकदम से हम हार मान चुके कि अब हम जाएं तो जहां कहां जाएं। हम लोगों को, हम लोग पैसा भी अगर किसी से सोर्स भी लगाएंगे, हमारा पैसा भी ले लेंगे, लेकिन मतलब कोई पैसा भी बर्बाद हो जाएगा आपका और न्याय भी नहीं मिलेगा, न्याय भी नहीं मिलेगा। सोचिए, तरीका बचा नहीं है, कोई तरीका नहीं बचा है हमारे पास। अब सोचिए, जज साहब को इतना भी समझना चाहिए कि इस लड़के का पीड़ित हुआ है। आजकल आप कभी भी सुनेंगे हर जगह चमार मार खाता है, कभी ठाकुर नहीं मार खाता है। जी जी। उनको ये चीज समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये चीज न समझ के हम लोगों के साथ उन्होंने जातिवाद किया और हमको न्याय नहीं दिया, हमारी अर्जी को उन्होंने खारिज कर दिया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? जब आप चारों तरफ, आपके पति जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, एसपी ऑफिस जा रहे हैं, डीएम क्या जा रहे हैं, एससी एसटी आयोग तक जा रहे हैं, आपको न्याय नहीं मिला, करेंगे क्या आप लोग? कैसे न्याय पाएंगे आप? न्याय नहीं मिला, न्याय न्याय के लिए इतना सब लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, जब न्याय नहीं मिला तो अपना चुपचाप चुपचाप मुंह बंद करके बैठेंगे घर पे, फिर से घटना होगी, आज मेरे साथ हुई कल दूसरे के साथ होगी, कोई गरीब पीड़िता के साथ होगी, ऐसा ही नहीं होगा। तो हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला, हम लोगों को इस सबसे भरोसा ही उठ गया है। मतलब अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग घर भी नहीं जा पाएंगे? जी नहीं जा पाएंगे। कैसे जा पाएंगे जब आपको न्याय नहीं मिलेगा? जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि हम घर पे जाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, तब तक आप घर भी नहीं जा पाएंगे। अब इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर अपना रह रहे हैं भाई, वो कल को किए लेकिन उसमें अपना सक्षम नहीं हुए, और फिर से भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बस यही है कि ये लोग चमार हैं, क्या है, यही चीज है हर जगह, और दिन पे दिन आए दिन वो हमेशा वो घटनाएं ही कर रहे हैं। हाँ, बस यही चीज़ है कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, हर जगह जातिवाद हो रहा है। हाँ, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? मुझे यही सरकार से कहना है कि मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार भी सोच रहा होगा कि पैसा चाहिए इन लोगों को, पैसे के लिए ये सब करे, तो हम लोग पैसे के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे। इज्जत एक बार चली गई औरत की तो कभी आएगी नहीं, और मुझे इज्जत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। इज्जत प्यारी है, पैसा नहीं प्यारा है। अगर मेरी इज्जत रहेगी तो पैसा भी आएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। इज्जत ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम बता दें, ये परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। कोर्ट कचहरी डीएम एसडीएम जितने भी तमाम बड़े अधिकारी हैं, जितने भी आला कमान के उच्च से उच्च अधिकारी हैं, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, जिनके ऊपर ये भरोसा रहता है कि अगर हमको कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा तो यदि हम इनके पास जाते हैं तो न्याय मिलेगा। मगर आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति है जो तमाम जगहों पर जाए, बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाए, कोर्ट जाए, आयोग जाए, उसके बावजूद अगर न्याय ना मिले तो परिवार क्या करेगा? परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर होता है, या फिर अपना घर परिवार छोड़ने पर मजबूर होता है। जी हाँ, एक ऐसा ही परिवार है आज जो अपना घर बार छोड़कर बेचारे किराए के रूम लेकर रह रहे हैं। हम चाहते हैं इस परिवार को सुरक्षा का मुहैया कराया जाए और इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत।